10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया की 10 ताकतवर तरीन मिलिट्रीज। किसी भी मुल्क की मिलिट्रीज की पावर को चेक करने के लिए दो अहम चीज़ों को देखा जाता है, मैन पावर उसमें कितने एक्टिव पर्सन मौजूद है, नंबर सेकंड डिफेंस बजट, जितना पैसा उतनी टेक्नोलॉजी उतने वेपन। कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको देखा जाता है, जैसे उस मुल्क का जीडीपी और रिसोर्सेज के, अगर जंग की हालत में उसकी मिलिट्री कितनी देर तक जंग लड़ सकती है। देखिए जितना पैसा जितनी तादाद उतनी पावर। इट्स गोइंग टू बी ओनली अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट लगाई गई है। फर्स्ट यूडियो डेटो नाजिन 40 मुल्कों के साथ छोटे से मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया और आज शिकस्त खा के वहाँ से दुम दबा के भाग रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, फर्स्ट पावरफुल है। पावरफुल का मतलब सक्सेसफुल right या बेस्ट नहीं है। बेस्ट और सक्सेसफुल बिल्डिंग्स के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अब आया ना अपने असल जगह के ऊपर, बेस्ट और सक्सेसफुल में और पावरफुल में फर्क है। मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टिक कर लें ताकि नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। जितना बड़ा मुल्क उतनी बड़ी मिलिट्री, उतना ज्यादा बजट, जाहिर बात है उसकी मिलिट्री। तो किधर चल वापस, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री में हमारे पास नंबर 10 पर मौजूद है ब्राजील। एक्टिव पर्सन है 3,34,500, रिजर्व पर्सनल है 13,40,000। एयर पावर में टोटल एसेट हैं 715, जिनमें 43 फाइटर जेट और 12 अटैक हेलीकॉप्टर। लैंड फोर्सेस के पास 437 बैटल टैंक, 1820 आर्मर्ड व्हीकल, 565 टोड आर्टिलरी, 132 सेल्फ प्रॉपर्ड आर्टिलरी और 84 रॉकेट प्रोजेक्ट शामिल हैं। नेवल फोर्स की बात की जाए तो 112 एसेट हैं, जिनमें 7 फ्रेगेट्स, 2 कॉर्वेट्स, 6 सबमरीन, 22 पेट्रोल शिप और 5 माइन वारफेयर शामिल हैं। नंबर 9 पर है हमारे पास इजिप्ट। एक्टिव पर्सन है 4,40,000, रिजर्व पर्सन है 4,80,000। एयर पावर स्ट्रेंथ है 1,054, जिनमें 215 फाइटर जेट, 81 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है। लैंड फोर्स में 4,295 बैटल टैंक, आर्मर्ड व्हीकल 11,700, सेल्फ प्रॉपर्ड आर्टिलरी 1,139, स्टोर्ड आर्टिलरी 2,179 और 1,084 रॉकेट प्रोजेक्टर शामिल हैं। अगर इजिप्ट की नेवल फोर्सेस की बात की जाए तो टोटल एसेट है 316, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 फ्रेगेट्स, 7 कॉर्वेट्स, 8 सबमरीन, 45 पेट्रोल शिप और 31 माइन वारफेयर शामिल हैं। नंबर 8 पर है हमारे पास यूनाइटेड किंगडम। एक्टिव पर्सन 1,92,660, रिजर्व है 83,000, एयर पावर की टोटल स्ट्रेंथ है 733, जिसमें 133 फाइटर जेट और 49 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। लैंड फोर्सेस में 227 बैटल टैंक, 5,000 आर्म व्हीकल, 89 सेल्फ प्रॉपर आर्टिलरी, 129 स्टाउड आर्टिलरी और 35 रॉकेट प्रोजेक्टर शामिल हैं। नेवल फोर्सेज में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 6 डिस्ट्रॉयर, 13 फ्रेगेट्स, 10 सबमरीन, 22 पेट्रोल शिप, 13 वारफेयर शामिल हैं। नंबर 7 पर है फ्रांस, जिसके एक्टिव पर्सनल हैं 2,68,000, रिजर्व में है 1,83,000, एयरफोर्स की टोटल स्ट्रेंथ है 1,229, जिसमें 269 फाइटर जेट और 62 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। लैंड फोर्सेस में 528 बैटल टैंक, 6,028 आर्म व्हीकल, सेल्फ प्रॉपर्ड आर्टिलरी 109 और टाउड आर्टिलरी 12 और 13 रॉकेट प्रोजेक्टर भी शामिल हैं। नेवल फोर्सेज में 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, 11 डिस्ट्रॉयर, 11 फ्रेगेट्स, 9 सबमरीन, 17 पेट्रोल शिप और 17 माइन वारफेयर मौजूद हैं। मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज में नंबर 6 पर है साउथ कोरिया। एक्टिव पर्सन 5,80,000, रिजर्व 3,10,000, एयरफोर्स की टोटल स्ट्रेंथ है 1,649, जिसमें 414 फाइटर जेट, 112 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। लैंड फोर्सेस के पास 2,614 बैटल टैंक, आर्मर्ड व्हीकल 14,000, सेल्फ प्रॉपर्ड आर्टिलरी 3,040, 3,854 टोट आर्टिलरी और 575 रॉकेट प्रोजेक्टर मौजूद है। साउथ कोरिया की नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट, 12 डिस्ट्रॉयर, 18 फ्रेगेट्स, 12 कॉर्वेट्स, 22 सबमरीन, 11 पेट्रोल शिप और 11 माइन वारफेयर मौजूद है। नंबर 5 पर है जापान। 2,47,000 एक्टिव पर्सनल, 56,000 रिजर्व, जापानी एयरफोर्स टोटल स्ट्रेंथ है 1,561, 280 फाइटर जेट, 119 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है। जापानी लैंड फोर्स के पास 1,004 बैटल टैंक, 3,130 आर्म व्हीकल, 238 सेल्फ प्रॉपर्ड आर्टिलरी, 500 टाउड आर्टिलरी, 99 रॉकेट प्रोजेक्टर मौजूद है। जापानीज नेवल फोर्सेस के पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, 4 डिस्ट्रॉयर,
6 कॉर्वेट्स, 20 सबमरीन, 6 पेट्रोल शिप और 25 माइन वेलफेयर मौजूद हैं। नंबर 4 पर है इंडिया, इंडियन मिलिट्री पावर। एक्टिव पर्सनल 14,44,000, रिजर्व 21,00,000। इंडियन एयरफोर्स की टोटल स्ट्रेंथ है 2,123, जिनमें फाइटर जेट है 538, अटैक हेलीकॉप्टर है 23। लैंड फोर्स में इंडिया के पास 4,292 बैटल टैंक, 8,686 आर्म्ड व्हीकल, 235 सेल्फ प्रॉपर्ड आर्टिलरी, 4,060 टोड आर्टिलरी और 266 रॉकेट प्रोजेक्ट मौजूद हैं। इंडियन नेवी के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर, 19 कॉर्वेट्स, 16 सबमरीन, 139 पेट्रोल शिप और 3 माइन वारफेयर मौजूद हैं। नंबर 3 पे चाइना। एक्टिव पर्सनल 21,83,000, रिजर्व 5,10,000। चाइना की एयरफोर्स की टोटल स्ट्रेंथ है 3,210, जिनमें फाइटर जेट है 1,232 और अटैक हेलीकॉप्टर 281। जमीनी फौज के पास 3,500 बैटल टैंक, आर्म व्हीकल 33,000, 3,800 सेल्फ प्रॉपर्ड आर्टिलरी, 3,600 टाउड आर्टिलरी, 2,650 रॉकेट प्रोजेक्ट। चाइना नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 36 डिस्ट्रॉयर्स, 52 फ्रेगेट्स, 50 कॉर्वेट्स, 74 सबमरीन, 220 पेट्रोल शिप और 29 माइन वारफेयर मौजूद है। नंबर 2 पर मौजूद है रशिया। एक्टिव पर्सनल 10,13,628, रिजर्व 20,00,000। एयरफोर्स की टोटल स्ट्रेंथ 4,163, जिसमें 873 फाइटर जेट और 531 अटैक हेलीकॉप्टर है। अगर लैंड फोर्स की बात की जाए तो 12,950 बैटल टैंक, 27,038 आर्म्ड व्हीकल, 6,038 सेल्फ प्रॉपर आर्टिलरी, 4,405 टोड आर्टिलरी और 3,860 रॉकेट प्रोजेक्टर मौजूद है। रशियन नेवी में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 डिस्ट्रॉयर, 10 फ्रेगेट्स, 79 कॉर्वेट्स, 62 सबमरीन, 41 पेट्रोल शिप और 48 माइन वारफेयर मौजूद है। नंबर 1 पर अमेरिका, मोस्ट पावरफुल कंट्री। जो 9 मुल्कों की लिस्ट आपको बताई है, उन सब का बजट अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो भी एक अमेरिका के बजट के बराबर नहीं बनता। 750 बिलियन डॉलर अमेरिका का बजट है। एक्टिव पर्सनल 14,00,000, रिजर्व 8,60,000। अमेरिकन एयरफोर्स की टोटल स्ट्रेंथ है 13,264, जिसमें है 2,085 फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर है 967। लैंड फोर्सेस के पास 6,290 बैटल टैंक, 39,253 आर्म व्हीकल, 1,465 सेल्फ प्रॉपर्ड आर्टिलरी, 2,740 टोड आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर 1,366 मौजूद हैं। अगर नेवी की बात की जाए तो अमेरिकन नेवी के पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर, 9 डिस्ट्रॉयर, 19 कॉर्वेट्स, 66 सबमरीन, 13 पेट्रोल शिप और 11 माइन वारफेयर मौजूद हैं। ये थी 10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज। आप में से अक्सर के जहन में ये सवाल आएगा कि पाकिस्तान की फौज 80% बजट खा जाती है, तो वो इस लिस्ट में कहाँ है? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो तकरीबन 4% जीडीपी का, टोटल जीडीपी का 4% है, 80% नहीं, जो आलमी लिहाज से 24वें रैंक पर आता है। और अगर पावरफुल मिलिट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान 15वें नंबर पर मौजूद है। पावरफुल का मतलब ज्यादा तादाद, ज्यादा पैसा है, सक्सेसफुल या बेस्ट नहीं है। एक मिसाल देता हूँ आपको, इसराइल जो है वो आलमी, इसराइल जो है वो मोस्ट पावरफुल में 18वें नंबर पर मौजूद है और इजिप्ट जो है वो मोस्ट पावरफुल मिलिट्री में 9वें नंबर पर मौजूद है। और अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो वो 17वें नंबर पर मौजूद है। उसका डिफेंस बजट 69 बिलियन डॉलर है सऊदी अरब का, जबकि इसराइल का सिर्फ 20 बिलियन डॉलर है। तादाद भी बहुत कम है, रैंक भी पावरफुल भी है। फिर क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब या इजिप्ट इसराइल को हरा सकते हैं? इन जैसे 4 मुल्क भी इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या इसराइल के पास मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है? जी नहीं जनाब, उसके पास बेस्ट मिलिट्री है, उसके पास सक्सेसफुल मिलिट्री है। इसलिए पावरफुल होना मायने नहीं रखता। मैंने पाकिस्तान की मिसाल यहाँ पे इसलिए नहीं दी कि बहुत से लोग कहेंगे कि जी पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान की फेवर में बोल रहा हूँ, सिर्फ एक जस्ट एक मिसाल दी है। पाकिस्तान की वीडियो मैं अगली नेक्स्ट टाइम आपको बेस्ट कंट्रीज की वीडियो दिखाऊंगा और बताऊंगा कि पाकिस्तान की का रैंक बेस्ट कंट्री में कहाँ पे आता है। ये सिर्फ एक आपको मिसाल दी है। ये वो जज्बा होता है जिससे मुल्क की आर्मी जीतती है, जिससे मुल्क लड़ता है। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कंप्लीट डिटेल से। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा।